एटीएम लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप फिर आपके सामने एक नई मुद्दे और एक नई खबर के साथ हाजिर हूं। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जीरादेई के विधायक, जदयू विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आने वाले चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं, जनता किस मुद्दे पे इनके साथ खड़ी है, 5 साल जनता ने इनको दिया था उसमें क्या हुआ, क्या बाकी रह गया, क्या करने की तमन्ना है। इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम रमेश सिंह जी के साथ बैठे हुए हैं। रमेश जी बताइए, चुनाव की डुगडुगी लगभग बज चुकी है, तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव की तैयारियां में सारे दल लगे हुए हैं और इस बार मुद्दा क्या होगा? पहले तो आपके चैनल को हम बधाई देते हैं, एटीएन चैनल को। देखिए, पहली बात यह है कि आप जानते ही हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि जब से वो बिहार की सत्ता संभाले हैं तब से बिहार प्रगति के रास्ते पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। जो भी हमारे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी थी, जो बुनियादी जो संरचना होती है विकास के लिए, पहले नहीं थी, आज वो सब कुछ हमारे यहाँ मौजूद है। चाहे वो सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, ये सारी बुनियादी चीज़ें जो है पहले जो नहीं थी आज है। आने वाले दिनों में भी हमारा मुद्दा बिहार को एक विकसित बिहार बनाने का होगा। हम शिक्षा के मोर्चे पर, स्वास्थ्य के मोर्चे पर आगे बड़ी काम करेंगे हम। रमेश जी, आपने जिन चीज़ों की बात की है उसके अलावा अभी जिस तरीके से बिहार की जो समस्या है, आपने देखा कि कोरोना महामारी को लेकर के कई तरह की बातें सामने आई हैं और लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोग जो बिहार के ही थे लेकिन वो बाहर रहते थे, उनको यहाँ पे रोज़गार नहीं था, वो लोग कमाने के लिए अपने परिवार को पालन पोषण के लिए बाहर गए थे, वो अब पुनः वापस आ चुके हैं। ये एक समस्या आपके साथ खड़ी होगी कि उनको रोज़गार चाहिए और रोज़गार का साधन 15 सालों में एक भी फैक्ट्री नहीं बन पाई, ये एक कड़वा सच है आपके सामने। देखिए, पहली बात जहाँ तक कोरोना की बात है, एक वैश्विक महामारी है, आप भी जानते हैं, और हमारे पूरे देश को भी आगोश में लिया है और बिहार भी उसे अछूता नहीं है। लेकिन कोरोना के मोर्चे पर बिहार सरकार काफ़ी गंभीर है। यहाँ अभी जांच जो है लाखों से पार कर गया है। जो भी मेडिकल सुविधा जो हमारी स्थिति है उसमें बेहतर की जा रही है। और जहाँ तक विकास का मामला है, आपका सवाल था कि बड़े पैमाने पर लोग, आप 30 लाख बोल रहे हैं लेकिन रजिस्टर्ड लोग लगभग 24 लाख के आसपास बिहार आए हैं। ये सरकारी जो आंकड़ा आया था हम उसी के आधार पर बोल रहे हैं कि 30 लाख के आसपास लोग बाहर से आए हुए हैं। तो चलिए हम मानते हैं कि मैंने ऐसे तो रजिस्टर्ड आंकड़ा 24 लाख के आसपास है, कुछ और ज़्यादा हो भी सकता है, बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन इन्हीं कारणों से नहीं हुआ होगा। तो एक तो देखिए, इस सच्चाई को कबूल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ कोई वैसा कोई कल कारखाना नहीं है, लेकिन हाल ही के दिनों में आप देखे होंगे एक नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनाई गई है और मुझे उम्मीद है कि जो नई औद्योगिक नीति हाल ही में जो विधानसभा में पारित हुई है उसके जरिए बिहार में उद्योग के मोर्चे पर भी हम काफ़ी आने वाले दिनों में सफल होंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी मैंने एक बिहार को एक विकसित बिहार का सपना वो देखते हैं, सजोए हुए हैं कि बिहार को कैसे विकसित बिहार बनाया जाए, और इस दिशा में नीतिगत मोर्चे पर जो उनसे हो सकता है वो विधानसभा के लेवल पर उन्होंने काम किया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो नई औद्योगिक नीति जो आई है, जो बनी है, उसके जरिए बिहार में जो भी छोटे मझोले किस्म के जो उद्योग हैं, जो कल कारखाने हैं, और ख़ास करके कृषि के क्षेत्र में जो आवेग देंगे, इस मोर्चे पर माननीय मुख्यमंत्री जी काम करेंगे और शायद अगला एजेंडा में वो शामिल हो।
रमेश जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जो भी बाहर गए हुए थे उन लोगों के लिए, और ख़ास करके बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, यहीं के लोग ज़्यादा गए हुए थे, उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने 20,000, वो आपको भी पता होगा, 20,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया था। आपको क्या लगता है कि जो सिस्टम आज बना हुआ है सरकार में या प्रशासन में, ये पैसा जो ज़रूरतमंद है जिनके पास जाना चाहिए उन तक पहुंच पाएगा या फिर ये भी बंदरबांट होगा? हम करते हैं, कोई जब वो एजेंडा लेकर के कोई सामने आते हैं तो उसके कार्यान्वयन की पॉलिसी भी वो तैयार करके रखे रहते हैं और एक एक चीज़ों का मॉनिटरिंग करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि एक एक पैसा जनता तक पहुँचेगा। बावजूद आपका जो इशारा है, हम लोगों की भी उस पर नज़र है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक जागरूक प्रतिनिधि होने के नाते, कि जनता तक जो भी सरकार की ओर से, चाहे वो केंद्र सरकार का मामला हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का मामला हो, या माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं चल रही है, उसको ज़मीन पर उसको उतारा जाए। आपको क्या लगता है कि चुनाव के समय में, अब कुछ चंद रोज बचे हुए हैं, महीने हम नहीं कहेंगे इसको, तो इसमें, इस परिस्थिति में क्या लगता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, एनडीए में तो बिल्कुल ठीक है, एनडीए में कहीं से कोई बहुत वैसा नहीं है। भाजपा जदयू दो मुख्य घटक दल हैं एनडीए के, और दोनों में काफ़ी एकता है। आपका इशारा है, उस इशारे को हम समझ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे केंद्रीय नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, और काफ़ी आप सब लोग जानते हैं, दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, चाहे वो चिराग पासवान की तरफ से हो या फिर जदयू की तरफ से हो, और बयानबाजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। उस हिसाब से तो लगता है कि कहीं कोई समझौता होने वाला नहीं है। देखिए, हमें तो लगता है कि सब हल हो जाएगा, हल हो जाएगा। चलिए, आपने अब ये बता दीजिए कि मुख्यमंत्री ने कुछ घोषणाएं की हैं कल, और वो आज अखबारों की सुर्खियां भी बना हुआ है, और ख़ास करके आपके इलाके के लिए एक बड़ा पैकेज भी आया हुआ है, तो हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि वो पूरा पैकेज क्या है, वो चुनावी पैकेज है या वाकई मुख्यमंत्री जी उस चीज़ को स्थापित करना चाहते हैं मैरवा क्षेत्र में। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमें खुशी है कि सिवान की धरती राजेंद्र बाबू की धरती है, मौलाना मजरुल हक की धरती है, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आज़ादी के लड़ाई में अपनी शहादतें भी दी है, और इस धरती पर, और ख़ास करके जो हमारा गृह होम अंचल है, इस अंचल में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, तो हम जीरादेई की जनता की ओर से, मैरमा की जनता की ओर से, सिवान की जनता की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी को हृदय की गहराइयों से उन्हें हम धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि जो मैरवा की, सिवान की जनता की जो आकांक्षा थी, इस आकांक्षा को उन्होंने मूर्त रूप देने का। इसका कितना फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा, सिवान के लोगों को, मैरवा के लोगों को, और ख़ास करके जीरादेई के लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, सबसे ज़्यादा फायदा चूँकि सिवान के मैरवा इलाके में बन रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो सिवान के लोगों को फ़ायदा होगा, साथ ही साथ इसका जो पड़ोसी ज़िला है गोपालगंज, छपरा का जो, ख़ास करके जो पश्चिम का जो इलाका है, वो पटना न जा करके अपने इलाज कराने के लिए यहाँ आएंगे, और चूँकि वो मेडिकल कॉलेज बॉर्डर पर है, जो यूपी बिहार का जो सीमा है, उसका भी फायदा मिलेगा। देवरिया के लोग, ये बलिया जिले का कुछ पार्ट के लोग यहाँ आएंगे, अपना बेहतर इलाज कराएंगे। रमेश जी, अब अंतिम मुद्दे पे हम आ जाते हैं कि अब चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार का मुद्दा क्या बनेगा, क्या उस मुद्दा में शराबबंदी भी, जो दिखाई नहीं देती है लेकिन है सब जगह, वो मुद्दा बनेगा इस बार? देखिए, पहली बात तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आप जानते हैं, बिहार में उन्होंने शराबबंदी लागू करने का कानून बनाया है,
और आने वाले दिनों में भी ये कानून जारी रहेगा, इससे कोई समझौता मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे। जो आपका इशारा है, इतना बड़ा प्रदेश है, हम लोग हैं तो उस पर नियंत्रण भी किया जा रहा है। जो भी कुछ लोग इधर उधर दाएं बाएं करते हैं उन्हें जेल की सलाखों में भी भेजा जा रहा है। और कोई भी देखिए, कानून से सिर्फ समस्या का समाधान नहीं होता है। कानून तो हत्याएं, 300 का कानून तो है सीआरपीसी में, आईपीसी में, लेकिन हत्याएं तो होती है लेकिन उनको सज़ा भी मिलती है। तो इसके लिए एक जनता को जागरूक भी करने की ज़रूरत है और धीरे धीरे जनता जो है जागरूक भी हो रही है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इस बार रमेश सिंह चुनाव लड़ेंगे जदयू के टिकट पे ही? हम पूरे विश्वास के साथ, आप सिटिंग विधायक भी हैं, पूरे यकीन के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं ही लड़ूंगा। वो भी लेकिन एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि क्षेत्र में आप ही के घटक दल जो एनडीए के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, नाम मैं नहीं गिनवाऊंगा किसी का, बहुत सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं, तो ये कितना प्रभावित करेंगे? दावेदारी करता है तो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। हम तो उस विचार के आदमी हैं कि भाई 100 फूलों को खिलने दो और उसी में से लोग चुन लेंगे, जनता जिसको जरूर समझेगी उसको चुनेगी। तो हम तो उस विचार के आदमी हैं, हम तो चाहते हैं कि प्रतियोगिता होनी चाहिए और प्रतियोगिता के बीच से लोगों को उभरना चाहिए, जो अच्छे हैं हाँ जो वो आना चाहिए। तो हम तो चाहे कोई भी लोग हों, हम भी नाम नहीं रखना चाहते हैं, जो लोग उनकी इच्छा है, इच्छा होनी भी चाहिए। लोकतंत्र में अगर इच्छा ही खत्म हो जाएगी तो मैं समझता हूँ इस लोकतंत्र को, जो लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, जो विविधताओं से भरा जो हमारा देश है, उसको टिकाए नहीं रखा जा सकता है। तो क्या लगता है कि जो विपक्ष आपके सामने इस बार चुनाव लड़ने की पूरी जोर शोर से वो सामने है, फिर उसके बाद पप्पू यादव जी हैं, पिछला परफॉर्मेंस जो है था आपका 2015 का, वो दोहरा पाएंगे, जदयू दोहरा पाएगी? देखिए, पिछला जो हम लोगों का जो स्थिति थी उस समय तो महागठबंधन से हम लोग लड़े थे, इस बार एनडीए से लड़े थे। आपको याद होगा कि 2010 में एनडीए, नीतीश जी, भाजपा सब लोग साथ थे, उस समय शायद रामविलास जी नहीं थे साथ में, तो उस समय भी लगभग 200 के पार सीट हुआ था और विपक्ष 22-23 पर ही अटक गया था। बल्कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत भी नहीं थी। आज तो मैं ये कहूँगा कि उससे भी बेहतर प्रदर्शन होने जा रहा है इस बार। 2010 को सिर्फ बिहार दोहराएगा नहीं, बल्कि उससे भी रिकॉर्ड उससे आगे बढ़ेगा, 200 पार करेगा इस बार। चलिए, आपने देखा कि किस तरह से अभी रमेश सिंह कुशवाहा जी से जो जीरादेई के जदयू विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, उनसे अभी हमारी बातचीत हो रही थी, कई मुद्दों पे बातचीत हुई और बड़े तरीके से उन्होंने जवाब भी दिया। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो राजनेता जो राजनीति से, जो शुरू से राजनीति करके आए हुए हैं और वो राजनीति को बड़े करीब से देखते हैं, उनका जवाब बिल्कुल इसी तरीके से होता है। लेकिन जो पैराशूट के माध्यम से जब वो राजनीति के क्षेत्र में आते हैं तो वो उस तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं जिस तरह से एक राजनेता को जवाब देना चाहिए था। रमेश जी ने बड़े अच्छे तरीके से अपने सरकार की विचारधारा को, अपने सरकार की नीति को, अपने सरकार के विकास को सामने रखा है। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में जनता इनके विचारों को, इनके नेता के विचारों को किस रूप में लेती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।